आज उस समाज को ईदी दी गई है जो सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग था, किन्नर समाज को ईदी दी गई है। और जो वाराणसी के स्वयंसेवी संगठन है मैसोनिक लॉज ट्रस्ट, उसके द्वारा ये पोटली का व्यवस्था किया गया, इंद्रेश ईदी पोटली जो दी गई, और ताकि उनके घर में भी ईद मनाई जा सके जिनको समाज तिरस्कृत करता है, समाज उपेक्षित समझता है, तो उनको भी ईदी मिल गई है और ईद मनाने का उनका भी अधिकार है। तो ईद जैसे बड़े त्यौहार को हम लोगों ने एक अवसर में बदल दिया है। और आज KK गुप्ता जी और तमाम लोग मैसोनिक ट्रस्ट के लोग आए और लोगों ने उनको ईदी दी, और ईदी दे करके उनके घर का जो भोजन पानी है, अन्न छत्र है, वो भी चलेगा और उनके ईद की खुशी भी उनको मिली। साथ मिलकर किन्नरों के उत्थान के लिए एक बड़ी योजना बनाई है कि जितने भी किन्नर भूख से पीड़ित हैं उन सभी को अनाज मिल सके, उन सभी का पेट भर सके। तो आज हमारे बीच हमारे ADM फाइनेंस भाई साहब मौजूद है अपने हाथों से हमारी किन्नर बहन को, ताकि जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बहने हैं उनके लिए एक बड़े मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस पल का हम सभी स्वागत करते हैं। ठेले व्यवसायी हो गए, फल वाले हो गए, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये समाज से जुड़े लोग हैं जो समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, हमारी शादी विवाह होते हैं, इसमें ये लोग जा कर के वो करते हैं। अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, विवाह जैसे कार्यक्रम में भी एक निश्चित संख्या निर्धारित कर दी गई है प्रोटोकॉल के तहत, तो उसी में जो है इनका भी आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में इनकी आजीविका भी प्रभावित हुई है। और इस संस्था द्वारा राजेश श्रीवास्तव जी जो संस्थापक हैं विशाल भारत संस्थान के, इनके द्वारा जो ये संस्था ने मुहिम की है वो बहुत ही अनोखी पहल है अपने आप में कि इनको भी इससे जोड़ा जा रहा है खाद्यान्न के लिए। और हमारे यहाँ से भी तहसील से भी सर्वे करके ऐसे लोग जिनको खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं है उनको हम लोग करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि कंट्रोल रूम में 1077 अपना नंबर है, उस पर कोई व्यक्ति नोट करवा रहा है। आप ये भी जानते होंगे कि हम लोग मीडिया में भी देते रहते हैं कि अब तक करीब 60,000 पैकेट हम लोग पूरे जनपद में बंटवा चुके हैं खाद्यान्न के अपने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर। तो इस तरह से आपको भी अगर कोई सूचना मिले हमें बताएं। और ऐसे कार्यक्रम की जितने भी राशन के कार्ड का है अभी उसको बृहद कर दिया गया है, राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। और जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके तहत जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं यहाँ तक उनका भी डाटा हमारे यहाँ करीब कल तक हम लोगों ने करीब 15,000 लोगों का डाटा जो है सप्लाई डिपार्टमेंट को दिया है, उनके नए कार्ड भी जारी कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य भी ऐसे कोई छूटे वर्ग थे, आप जानते होंगे कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण में कुछ न कुछ ये माना जा सकता है कि कुछ लोग हो सकता है छूटे हुए हों, तो उनको भी कंपनी से उससे जोड़ा जा रहा है और सभी को राशन सरकार की तरफ से।